नमस्कार दोस्तों, हमारे स्मार्ट एल्युमिनियम चैनल में आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं दरवाजा का ड्राइंग बना दिया हूँ। जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट किए थे, सर आप एक सीट में कितना दरवाज़ा बनाया जा सकता है, इस पर एक कम्प्लीट प्रॉपर वीडियो बनाइए, किस तरीके से हम दरवाज़ा बनाएंगे और कितना हमारा दरवाज़ा बन सकता है। ठीक है, तो दोस्तों आज इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ। एसीपी सीट हुआ या बेकेलाइट सीट हुआ, 8-4 का जो सीट आता है, ठीक है, एसीपी सीट तो 8-4, 10-4, 12-4 सभी आते हैं, बट बेकेलाइट सीट दोस्तों 8x4 का ही आता है। आप उसको उल्टा बोल सकते हैं, 4x8 का, 8x4 का, ठीक है, तो वो छोड़ो। तो दोस्तों आप 4x8 का जो एसीपी सीट आता है या बेकेलाइट सीट आता है, आप उसमें अगर दरवाज़ा बनाना चाहते हैं, आप एक सीट में कितना दरवाज़ा बना सकते हैं, तो दोस्तों मैं फाइनली बताने वाला हूँ। आज इसी टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ किस तरीके से आप बनाएंगे दरवाज़ा तो आपका 3 दरवाज़ा बनेगा, और किस तरीके से नहीं बनाएंगे दोस्तों तो आपका 2 दरवाज़ा बनेगा। तो दोस्तों आप एक सीट में दोस्तों एक भी दरवाज़ा बनता है, और एक सीट में 2 भी दरवाज़ा बनता है, और एक सीट में 3 दरवाज़ा भी बनता है। तो दोस्तों ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप कैसा बनाना चाहते हैं या आपको आपका पार्टी किस तरीके से बोला है। ठीक है, तो चलिए मैं आज आपको बताने वाला हूँ कैसे आप बनाएंगे, कितना आपको मेज़रमेंट होना चाहिए तो आप एक सीट में कितना दरवाज़ा बना सकते हैं। तो ऐसा कभी आपके साइज़ आपके पास आता है, एक जैसा ही साइज़ आता है तो आप कितना दरवाज़ा बना सकते हैं। दोस्तों आप देख सकते हैं 26 और 27 और 30, इस तरीके से आपका मेज़रमेंट अगर है तो आप कितना दरवाज़ा बना सकते हैं एक सीट में। यहाँ पे देख सकते हैं 4x8, 48x96, ये हमारा ड्राइंग जो बना हुआ है लंबा सा आप देख रहे हैं, ये हमारा एसीपी सीट, आप पकड़ो इसको, या तो आप इसको बेकेलाइट समझ सकते हो। दोस्तों कुछ लोग इसको हार्डनर भी बोलते हैं, तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे ऊपर लिखा हुआ है बेकेलाइट सीट एंड एसीपी सीट, ठीक है, बेकेलाइट सीट एंड एसीपी सीट, तो मतलब आप एसीपी सीट लगाओ या बेकेलाइट सीट लगाओ। तो चलिए तो मैं आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं आपको स्टार्ट करता हूँ, देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, यहाँ पे देखिए 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर, इसके अंदर 1 नंबर के अंदर 2 नंबर के अंदर 3 नंबर के अंदर जो भी सीट का साइज लिखा हुआ है, ठीक है, ये मायने नहीं रखता हुआ है, फिर भी मैं आपको एग्जांपल समझाने के लिए, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये सीट का साइज यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों देखिए एग्जांपल आपका ये 26 इंच हुआ और 1.5x1.5 के सेक्शन में आप दरवाज़ा बना रहे हैं, ये भी आपका 27 इंच हुआ, आप 1.5x1.5 के सेक्शन में दरवाज़ा बना रहे हैं, ये भी आपका 30 इंच हुआ, आप इसको 1.5x1.5 के सेक्शन में दरवाज़ा बना रहे हैं। तो बट दोस्तों इसमें आप आउटर फ्रेम लगा रहे हैं और इसमें आउटर फ्रेम आप नहीं लगा रहे हैं, इसमें भी आउटर फ्रेम आप नहीं लगा रहे हैं। तो दोस्तों क्या होता है, किसी का दरवाज़ा का साइज़ 23 आया, किसी का जो है 24 आया, और किसी का फिर 24 आया। अगर 2 का 24 आता है, 1 का 23 आता है, तो इस पर डिपेंड भी नहीं करता है, आपका 24 से ऊपर नहीं जाना चाहिए। 24 से ऊपर आपका मेज़रमेंट अगर जा रहा है तो दोस्तों आप फिर फंस जाओगे, एक सीट में आपका 3 दरवाज़ा नहीं बन पाएगा। तो चलिए दोस्तों इसी पे मैं आज बताने वाला हूँ आपको, ठीक है। देखिए आपका 26 इंच मेज़रमेंट है, और अगर बाई चांस से 27 है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 27 है, ठीक है, आप 1.5x1.5 के सेक्शन में बना रहे हैं दरवाज़ा, आप कितना क्या करेंगे, पहले तो आप चाहे वो 90 डिग्री में बना रहे हैं चाहे 45 डिग्री में बना रहे हैं, आपका 24 इंच से ऊपर सीट नहीं जाएगा अगर आपका 27 इंच चौड़ाई का मेज़रमेंट है तो, ठीक है। अगर बाई चांस ये 27.5 हो गया तो आपका 24 से ऊपर जाने लगेगा, तो आपको क्या करना है, 1.5x1.5 का सेक्शन यूज ना करते हुए आपको यहाँ पे 2x1 इंच का यूज करना है। अगर आपका कॉस्ट ज़्यादा जा रहा है तो आप 1850 का सेक्शन यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो दोस्तों ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। मैं आज बताने वाला हूँ 1.5x1.5 के सेक्शन में अगर आप दरवाज़ा बना रहे हैं, अगर आपका 26, 27 और 30 का मेज़रमेंट चौड़ाई है, और इस तरीके से आप यहाँ पे ग्लास, यहाँ पे जाली, या तो यहाँ पे कांच, इस तरीके से अगर आप हर दरवाजे में ऊपर 8 इंच 10 इंच डालते हैं, ठीक है, आपका दरवाज़ा का साइज मेज़रमेंट है 78, 78 और यहाँ पे 78, आप देख सकते हैं 78, 78, 78, ठीक है, इस तरीके से आपका अगर मेज़रमेंट है तो दोस्तों आपको कितना मेज़रमेंट यहाँ पे
रहना चाहिए। देखिए मैं आपको एकदम एग्जांपल तरीके से यहाँ पे सीट बता देता हूँ कैसे आपको मार्किंग करना है। दोस्तों सबसे पहले ये आपका 4 फीट चौड़ाई है, यहाँ से यहाँ तक चौड़ाई आपका कितना है दोस्तों आप देख सकते हैं, ठीक है आपका 4 फीट हो गया। और इस तरीके से आपको 3 फीट लेना है, ठीक है ये हमारा 3 फीट हो गया, 36 इंच ये हो गया। अब ये हमारा 2 फीट हो गया, ठीक है दोस्तों ये हमारा 24, मतलब यहाँ से हमारा ये हमारा 4 फीट है, यहाँ से यहाँ तक इस तरीके से हम इसको फाड़ दिए 3 फीट तक, तो हमारा कितना बच गया यहाँ से दोस्तों यहाँ तक 3 फीट माइनस हो गया, अब हमारा बच गया यहाँ पे 60, 5x4 बच गया, ठीक है कहाँ तक यहाँ से यहाँ तक कट गया 3 फीट और इसके आगे हमारा बच गया। आप लोग यहाँ पे मिस हो जाएंगे तो आप दरवाज़ा एक सीट में 3 दरवाज़ा कभी नहीं बना पाएंगे, 90% लोग फेल होते हैं इसी तरीके से, ठीक है आपका 5 फीट यहाँ पे बचा 5x4, फिर आप यहाँ से फिर से लगाएंगे यहाँ तक कितना 3 फीट फिर से आप कटिंग कर दिए हैं, याद रखिए दोस्तों ये आप 36 इंच फिर कटिंग कर दिए हैं, ठीक है तो आपका यहाँ से यहाँ तक कितना बचा 2x4, क्योंकि ये तो 4 है तो ये आपका 4 बचा और इस तरीके से दोस्तों 2 बचा। ड्राइंग में मैं बनाया हूँ भले या दोस्तों तो 3 पार्ट में बांटा हूँ बट ये तीसरा पार्ट कम रहता है, ठीक है मैं इसको कम कर देता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये आपका साइज बचा 2x4, ये आपका 4 है और ये 2 है, तो आपको करना है बहुत सिंपल तरीके से मैं बताने वाला हूँ दोस्तों, बहुत सिंपल तरीका। ये आपका यहाँ पे देख सकते हैं, मैं दरवाजे में पहले बता देता हूँ उसके बाद इसमें बताऊँगा। वीडियो दोस्तों 7 मिनट हो चुका है और काफ़ी लंबा हो सकता है बट आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे तो आप समझ जाएंगे एक सीट में हमें कितना दरवाज़ा हम बना सकते हैं, ठीक है। तो आप 36 इंच इस तरीके से कटिंग किए तो आपका इसका 36 है, इसका 36 है और इसका भी 36 है, मतलब नीचे से दोस्तों क्या है ना 36 इंच इसलिए मैं रखा हूँ क्योंकि 36 इंच पे हमारा स्टॉपर लगता है जो कि हम दरवाजे में स्टॉपर लगाते हैं, तो नीचे से कम 36 इंच पे ये रहना चाहिए, ठीक है तो इसलिए मैं 36 इंच ये 36 ये 36 ये, तो आप एक 36 कटिंग किए 23x36 ये हमारा कट गया, ये हमारा 23x36 और ये दोनों दरवाजे का सीट इसमें हो गया, ठीक है ये दोनों नीचे का इधर हो गया, अब बचा ये और ये, तो ये हमारा ये हो गया देख सकते हैं यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ 24x36 ये हमारा हो गया। अब बचा एक और, ठीक है ये बच गया हमारा 2x3 का बच गया, तो हम क्या करेंगे मालूम है इसको इतना कटिंग कर देंगे, इसका हो गया ये हमारा किसका हो गया इसका हो गया 23x24 दोस्तों इसका हो गया। अब बच गया हमारा ये और ये, क्योंकि ये और ये हो चुका है, इसमें से हम 2 कर देंगे, ये हमारा 2x है तो हम क्या करेंगे 2x2 का ये बचा हुआ है, तो दोस्तों ये हमारा 2x2 का है, ये 2x2 का है, तो ये हमारा 2x2 का है, ये हो गया। तो दोस्तों ये कितना फिट हुआ आप देख सकते हैं, यहाँ से 3 फिट हुआ, ये इसके बाद ये 3 फिट हुआ, 3, 3, 6, 2, 8 टोटल ये हमारा 8 फिट दोस्तों फाइनल ये हमारा सीट हो गया और एक सीट में हमें तीनों दरवाजा का हमारा साइज निकल गया, ठीक है दोस्तों इस तरीके से आप मेजरमेंट निकाल सकते हैं। अभी भी आपको नहीं समझ में आया मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वीडियो देखते रहिए, वीडियो में मैं कुछ इम्पोर्टेंट बताने वाला हूँ। देखिए ये दोनों निकल गया इसका दोनों का और इसका निकल गया यहाँ, बचा 1, 2, 3 हमारा बचा है, 1, 2, 3 ये बचा हुआ है, तो हम क्या करेंगे इसका हम यहाँ निकाल लेंगे, इसका यहाँ निकाल लेंगे, इसका नीचे निकाल लेंगे, इस तरीके से दोस्तों आप निकाल सकते हैं। आप तो आपको समझ में आ गया होगा, हालांकि मैं बहुत यहाँ पे तरीके से समझाने की कोशिश किया हूँ, तो दोस्तों अगर आपको समझ में नहीं आया होगा मुझे आप लोग कमेंट करेंगे, मैं इससे भी बेस्ट तरीका जानता हूँ आप लोग को बता दूंगा, ज़रूर बताऊँगा, वैसे भी इस तरीके से आपको कोई गलत नहीं वह बताया हूँ, बहुत अच्छी तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ। दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया बट दोस्तों एक चीज़ याद रखिए, आप अगर ग्लास नहीं डालते हैं तो आपका सीट का साइज़ यहाँ पे बैठेगा नहीं, अगर आप यहाँ पे ग्लास नहीं डालते हैं ठीक है या जाली नहीं डालते हैं
तो आप 8-4 के सीट में, एक सीट में आप 3 दरवाजा नहीं बना सकते हैं दोस्तों, एक सीट में 2 दरवाजा बनेगा और आपका सीट बेस्टेड हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को काफ़ी ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर दोस्तों वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए, अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक पे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।